सब नू जी आया नू पंजाबी दरबार ते आम पंजाबी अपनी मां बोली पंजाबी नू अजे भी नहीं छड़ रहा। पंजाबी जुबान की परवरिश सूफी बजुर्गां बाबा फरीद बाबा नानक शाह सैन सुल्तान बाऊ बुले शाह वारिस शाह ख्वाजा गुलाम फरीद मियां बख्श की। इसलिए पंजाबी जुबान का पसे मंजर रूहानी होने करके पंजाबी जुबान विच इलम हिकमत दानिश के खजाने ने जेड़े अखलाकी किरदार नूं बेहतर करन ते रूहानी नशोनमादी सलाहियत रखदे ने। पंजाबी कौम दुनिया की नवीं सब तो वड्डी कौम है। पंजाबी कौम जनूबी एशिया की तीजी सब तो वड्डी कौम है। पंजाबी मुसलमान मुस्लिम उम्मा की तीजी सब तो वड्डी बिरादरी है। पंजाबियों की पाकिस्तान में आबादी 60% है। पंजाबी जुबान पाकिस्तान की 80% आबादी बोलना जानती है। पंजाबी जुबान पाकिस्तान की 90% आबादी समझ लेंदी है। इसके बावजूद पाकिस्तान के सूबे पंजाब मां बोली दे नाल ओह जिहा ही मसला है जो 11वीं सदी ईस्वी में अंग्रेजी जुबान नाल बरतानिया में सी। पंजाब का मगरब तो मुतासर तबका अंग्रेजी जुबान के नफाज से जोर देता है। पंजाबियों की शराफिया का रुझान उर्दू जुबान वाले यही वजह है कि उर्दू जुबान पंजाब की सरकारी जुबान का दर्जा हासिल है, जबकि अंग्रेजी तो उर्दू जुबान नाल आम पंजाबी दिलचस्पी नहीं है क्योंकि पंजाब की अवामी जुबान पंजाबी ही है। पर इस दे बावजूद पंजाबी जुबान के अवामी जुबान होने की फादियत पंजाबियों की शराफिया तवज्जो नहीं दे रही। पंजाबियों की शराफिया उर्दू तो मुतसर है गुलामी के खौल चो बाहर नहीं आना चाहती। हालांकि उर्दू जुबान सिर्फ कागजा की हद तक तस्लीम शुदा सरकारी पंजाबियों की शराफिया की जुबान की हद तक महदूद जुबान है, पर पंजाबियों की अवामी जुबान नहीं बन पा रही। आम पंजाबी अपनी मां बोली पंजाबी नूं छड़ भी नहीं रहा तो नसल दर नसल मुलतकी भी कर रहा है। इसलिए कि पंजाबी जुबान पूरे पंजाब विच बोली तो समझी जाती है, जबकि उर्दू सिर्फ पंजाब की सरकारी तस्लीमशुदा सरकारी तो पंजाबियों की शराफियत की जुबान की हद तक महदूद है। फ्रांस के नॉर्मंड ने 11वीं सदी ईस्वी बरतानिया फतह करके अपनी हुकूमत कायम कर ली। इस फतह तो बाद अंग्रेजा के मजहबी तबके ने लातीनी जुबान के नफाज से जोर दिता, जबकि अंग्रेजा की शराफिया का रुझान फ्रांसीसी जुबान वाल सी। यही वजह है कि फ्रांसीसी जुबान को बरतानिया की सरकारी जुबान का दर्जा मिल गया। अलग लातीनी फ्रांसीसी जुबान नाल आम पंजाब अंग्रेज को दिलचस्पी नहीं सी क्योंकि बरतानिया की अवामी जुबान अंग्रेजी सी। पर इस दे बावजूद अंग्रेजी जुबान के अवामी जुबान होने की फादियत से अंग्रेजा की शराफिया ने तवज्जो न दी। यह सूरत हाल तकरीबन 300 साल चली। फ्रांसीसी जुबान सिर्फ तस्लीमशुदा सरकारी अंग्रेजा की शराफिया की जुबान की हद तक महदूद रही, पर अंग्रेजा की अवामी जुबान ना बन सकी। आम अंग्रेज ने अपनी मां बोली अंग्रेजी ना छड़िया तो नसल दर नसल मुंतकबिल किया। 14वीं सदी के आगाज तक बरतानिया में फ्रांसीसी असर और रसूख घट गया। बरतानिया ने आजादी के लिए फ्रांस नाल लगभग 100 साल जंग लड़ी। बरतानिया में 1362 में एक कानून पास किया गया कि हुण अदालती कार्रवाई फ्रांसीसी की बजाय अंग्रेजी जुबान में होगी। इस तरह बरतानीवी कौम ने ना सिर्फ अपनी शनाखत को जिंदा रखा बल्कि अपनी जुबान को भी खत्म होने बचाया। तो अब दुनिया में अंग्रेजी सब तो ज़्यादा बोली समझी तो सीखी जा रही है। तो आलमी जुबान का दर्जा हासिल कर चुकी है। पंजाबियों की भी कोशिश है कि पंजाब की सूबाई असैंबली चों पंजाबी जुबान को पंजाबी दे तलीमी दफ्तरी जुबान होने का कानून बनवा लिया जाए। पंजाब की असैंबली चों जब यह कानून पास हो गया हुण पंजाब के स्कूलों में पंजाबी जुबान भेज दी जाएगी तो पंजाब के दफ्तर कार्रवाई उर्दू की बजाय पंजाबी जुबान होगी। तो फिर पहलों तो ही दुनिया में बोली जाने वाली नवी वड्डी जुबान होने के करके पंजाबी जुबान ने आलमी सतह से बहुत ज़्यादा अहमियत अख्तियार कर लेनी है, जिस दे करके पंजाबी कौम ने बैन अवी सतह से होर इज्जत वकार हासिल कर लेना। पंजाबी जुबान बारे पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट अपने एक फैसले की तमहीद में आख चुकी है। अदालत ने मशाला किया है कि हुकूमत पंजाब पंजाबी जुबान उसका मुकाम दवान नाकाम रही है तो पंजाबी जुबान में असूले इलम का जरिया बनाने लिए कोई खातर खुआ इकदाम नहीं किए। दस्तूर में दिते गए जाति वकार के हक का लाजमी तकाजा है कि रियासत हर मर्दो जन शहरी दी जुबान चाहे वह कौमी हो सूबाई एक काबिल एहतराम जुबान का दर्जा जरूर देवे। जब रियासत इस गल से अड़ जाए कि वह जुबाना जड़िया पाकिस्तान के शहरी की अक्सरीयत बोलती है इस काबिल नहीं कि इन्होंने रियासत के काम अंजाम पा सकन तो फिर रियासत इन्होंने शहरियों को हकीमानी इन्हों इंसानी वकार तो महरूम कर रही है।
इस गल में कोई शक नहीं कि इनफरादी या इजतमाही वकार ते तलीम एक दूजे नाल जुड़े हुए हैं। तलीम जिहड़ी कि एक बुनियादी हक है बराह रियाज जबान नाल तलक रखती है। यूनेस्को जो अदारा भी जिहड़ा अकवाम मुत्तहिदा दा तलीमी सियासी ते सकाफती अदारा इस गल दी तहिद करता है कि बच्चे नूं उसकी अपनी जुबान में तलीम दी जाए जानी चाहिए है, क्योंकि अपनी जुबान ही वह जुबान है जिहड़ी बच्चा अपने घर के माहौल तो सीखता है, तो उस परछावें थले ही परवान चढ़ता है। तो रब रखा पी ए मानुला मिलने जनाब अगली वीडियो च। चैनल सबसक्राइब करके जाया जे तो घंटी का ला निशान लाजमी खड़काया जाए। तो पी जी एफ इंटरनेशनल पंजाबी ग्रेजुएट फॉर्म इंटरनेशनल।